हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो आज सुबह सुबह मैं आ गई हूँ श्री राम पौधाशाला। ये हमारे घर के पास ही है और ये बहुत बड़ी नर्सरी है। तो देखिए, अब हम लोग गेट खोल रहे हैं, गेट के अंदर आ गए। ये हैं सारे एरिका पाम, देखिए कितने बड़े बड़े हैं एरिका पाम। और इधर कुछ रबड़ प्लांट हैं, कुछ स्नैक प्लांट हैं, कुछ क्रोटन के प्लांट हैं, मोरपंख हैं। हम लोग क्या मोरपंख बोलते हैं आप लोग बताइए। कुछ क्रिसमस ट्री भी हैं। ये सारे क्रोटन वैरायटी हैं, एक एक करके मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये सब क्रोटन वैरायटी है। नर्सरी बहुत बड़ी है, तो सारे पौधे कई जगह रखे गए हैं, मतलब एक ही पौधे दो दो तीन तीन जगह रखे गए हैं। ये देखिए, ये सब गुड़हल के पौधे हैं। अभी इसमें एक दो फूल खिल रहे हैं। इधर भी ये कुछ फूल हैं, देखिए इधर भी गुड़हल के पौधे हैं। कई जगह कई प्राइज के पौधे रखे गए हैं। ये देखिए, कुछ गुड़हल के पौधे हैं, ये डंठियों से भी लगाए गए हैं। इधर है गुलदाउदी का पौधा। अब तो इसकी सीजन भी जा रहे हैं, क्योंकि गुलदाउदी ठंडी में ही खिलती है। और ये कुछ मिर्ची के पौधे जो ज़मीन में लगाए गए हैं, और बाद में इसे नर्सरी वाले ग्रो बैग में करेंगे। कुछ पौधे हम लोग भी ज़मीन में से ही निकाल के लाते हैं, ला के तुरंत लगा देते हैं अगर ग्रो बैग में नहीं रहते हैं तो। देखिए नर्सरी बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो धीरे धीरे मैं सब चीज़ दिखाती हूँ, आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। देखिए, ये भी कुछ प्लांट ही हैं, सो प्लांट हैं, इसे हम कटिंग से भी लगा सकते हैं। ये एरिका पाम था, ये है, ये देखिए, ये है हमारा डंठस का प्लांट। ये डार्क पिंक, हल्का पिंक, मतलब पिंक कलर के हैं इधर, और एक जगह और है वहाँ भी मैं लेके चलती हूँ। ये देखिए, यहाँ वाइट का कॉम्बिनेशन है ज़्यादा। इसमें से मैंने दो पौधे लाए थे, ऐसे भी कितने। इधर गुलदाउदी है, ये कुछ आम के पेड़ नहीं है, सॉरी, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो जा रही हूँ क्योंकि कुछ पौधों के नाम नहीं जानती हूँ। देखिए, इसमें से मैंने दो फूल लिए थे, इस फूल का नाम भी मुझे नहीं पता है, आप बताइएगा आपको क्या बोलते हैं इस फूल को। दो फूल मैंने ये लाए थे लगाने के लिए। जब मैं ये फूल लगाऊंगी इसकी ही वीडियो बनाऊंगी। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। ये देखिए, ये फिर से क्रोटन के कई वैरायटी के पौधे हैं। क्रोटन है, रबड़ प्लांट है, क्रोटन के छोटे बड़े हर प्रकार के पौधे हैं। ये बड़ा वाला है इधर सब, इसे हम ये छोटे वाले क्रोटन को हम कटिंग से भी लगा सकते हैं नमी जगह में, ये आसानी से पकड़ लेता है। मैंने कई बार लगाया है इसलिए बता रही हूँ। देखिए, दूर दूर तक सब क्रोटन के ही। ये है मनी प्लांट, इसको रस्सी में बांध के फिर ऊपर चढ़ाया जा रहा है। देखिए कितने सुंदर लग रहा है। देखिए, ये छोटे छोटे क्रिसमस ट्री हैं, छोटे छोटे हैं, ये कितने सुंदर लग रहे हैं। देखिए, ये एक छोटा सा पौधा 60 रुपये में था, और ये सारे पौधे हम लोग इसे मोरपंख बोलते हैं, आप बताइएगा आपके यहाँ क्या बोलते हैं। इसका प्राइस 80 रुपये था, क्योंकि ये बड़े वाले और महंगे थे, तो ये भी मैंने लगा रखे हैं पहले से ही। अब बताइएगा आपके यहाँ क्या बोलते हैं। हम तो इसे मोरपंख बोलते हैं, और कोई नाम होगा इंग्लिश में नहीं जानते। ये भी देखिए, ये भी डंठस का ही प्लांट है, ये अलग रखा गया है। अब इसमें से देखिए, मैं दो पौधे लेती हूँ। सबके सीजन जा रहे हैं, ठंडी बार मैंने पौधे नहीं लगाए, बहुत ठंडी थी। उसके बाद ये पौधे हमेशा चलते हैं, बस इसे थोड़ा बचा के रखना पड़ता है। डंठस के पौधे को आप बचा देंगे तो इसमें हमेशा मतलब कम ज़्यादा फूल खिलते रहते हैं। ये देखिए, ये गुड़हल का फूल है, इसको भी ज़मीन में नर्सरी वाले लगाए हैं। देखिए रेड कलर का है, कितना सुंदर लग रहा है देखने में। ये सारे पौधे 180 रुपये में है, क्योंकि इसे गमले में लगा के रखा गया है। देखिए कितने सुंदर सुंदर गुड़हल के फूल हैं, की भी मैंने दो तीन वैरायटी ला के लगाई है। मुझे पौधे लगाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। ये देखिए, सब गुड़हल के ही पौधे हैं ये।
और ये देखिए इधर कुछ स्नैक प्लांट रखे हैं, ये सब सामान रखा गया है, ग्रो बैग हैं, कुछ सामान है। ये देखिए यहाँ गेंदे की खेती की गई है, ये ज़मीन में गेंदा लगाया गया है। इसमें से भी मैंने 3 निकाल के लाए थे ज़मीन से, उसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगी और आप लोग के साथ शेयर करूंगी। देखिए नर्सरी कितनी बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है नर्सरी। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो में बने रहिए। ये देखिए ये कुछ आम के पौधे हैं जिसमें बोलते हैं मोजर, मोजर भी आ गया है। ये है कुछ पिटनोमिया, इसमें से भी मैंने 2 लाए थे, थोड़ा सा लेट हो गया है लेकिन अभी ये मार्च अप्रैल तक खिलता है पिटनोमिया का फ्लावर। 2 मैंने ये भी लाए थे। ये देखिए ये है ब्रोकली, कितनी सुंदर लग रही है। ये है बंद गोभी, पत्ता गोभी, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये भी नर्सरी में ही लगा था। अगर